हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है फिलहाल न्यूज में था, तो इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाया गया है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। सो गाइस, रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उन्होंने अपना एसेंट दे दिया किसको, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट विच वॉज अर्लियर पास बाय गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट ईयर। ठीक है गाइस, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हमारे डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है उससे अपना एसेंट दे दिया। ठीक है गाइस, अभी इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि इस बिल के अंदर क्या क्या बातें थी। तो बिल वॉज ब्रॉट लास्ट ईयर टू अमेंडमेंट। ठीक है, लास्ट ईयर इसको अमेंड करने के लिए लाया गया था, और इस बिल का जो ओरिजिनल नाम है वो ये है कि द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसिस इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991। ये इसका रियल नाम है। ठीक है, एक्सटेंडेड नाम जो होता है एक्ट का, कि गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसिस इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991। कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली इसको हम कहते हैं डिस्टर्ब एरिया एक्ट। ठीक है गाइस, अभी गवर्नमेंट जो है उन्होंने अर्लियर कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस रखे थे बराबर, और इसी प्रोविजंस को लेके लोगों के अंदर काफी कंप्लेंट्स आई थी रिगार्डिंग द करंट एक्ट, क्योंकि ये जो एक्ट था जो पुराना वाला, ठीक है, वो अनेबल था टू कर्व इलीगल सेल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्टर्ब एरियाज बराबर। पुराना जो एक्ट था गाइस, तो उसके अंदर ऐसे कुछ प्रोविजंस थे जिसके वजह से उस पे टोटली निगरानी नहीं रख पा रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, जिससे डिस्टर्ब एरिया के अंदर कुछ भी सेल हो रहा है या बाइंग हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सके, ये इश्यूज आ रहे थे, उसके वजह से लोगों ने काफी कंप्लेन की थी। ठीक है गाइस, और यही रीजन से गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी थोड़ा अमेंडमेंट लाना चाहिए हमें डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंदर। What is the Disturbed Area Act? ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे What is Disturbed Area Act? So under the Disturbed Area Act, बराबर, District Collector जो होता है वो किसी particular area, ठीक है, या फिर कोई city हो या area जो हो किसी city में, या फिर city के अंदर कोई town हो, उसको वो Disturbed Area declare कर सकता है। कौन कर सकता है guys? हमें ये याद रखना है कि collector, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर होता है वो ही ये कर पाएगा, किसी एक एरिया को वो डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देगा। ठीक है, दिस नोटिफिकेशन, ये जो होती है नोटिफिकेशन, इट जनरली बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स इन द एरिया, कि कभी कुछ कम्युनल राइट्स हुए रहेंगे, वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो काफी डिस्टर्ब होता होगा या फिर काफी बवाल हो जाता होगा उस एरिया के अंदर, तभी ही ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि चलो उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दो। अभी कुछ नोटिफिकेशन, फॉलोइंग दिस नोटिफिकेशन, ट्रांसफर, जब भी कुछ भी ट्रांसफर करना है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्टर्ब एरिया के अंदर बराबर, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहां पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बराबर, और जब कलेक्टर उसकी मंजूरी दे तभी ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डिस्टर्ब एरिया के अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो तो विदाउट द परमिशन ऑफ कलेक्टर आप ये काम नहीं कर सकते। और ये जो एप्लीकेशन होता है जो आप कलेक्टर के पास भेजोगे तो वहां पे एक एफिडेविट आपको साथ में अटैच करनी होगी, और उस एफिडेविट में क्या लिखा होगा गाइस, कि आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो आप अपनी मंजूरी से सेल कर रहे हो और उसका जो दाम आपको मिल रहा है वो फेयर मार्केट प्राइस है, मतलब जो उसका अच्छा दाम है वही आपको मिल रहा है, आप नुकसान में आके इसको नहीं बेच रहे हो, तो ये एप्लीकेशन में आपको एक एफिडेविट ज्वाइन करनी होती है, जो एप्लीकेशन आप कलेक्टर को भेजोगे ना, और एफिडेविट में ये सारी चीज मेंशन करने की कि ये जो प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूं वो मेरे नाम पे है, उसके राइट्स मेरे नाम पे है बराबर, और ये जो मैं बेच रहा हूं वो फेयर मार्केट प्राइस में इसको सेल कर रहा हूं। अभी गाइस हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स,
क्या क्या अमेंडमेंट्स लाया गया है इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंदर। सो गाइस अमेंडमेंट लॉ ये कह रहा है कि दे आर गोइंग टू स्टॉप पोलराइजेशन और इन लोग चेक करेंगे कि कोई भी डेमोग्राफिक इंबैलेंस ना हो। अभी पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस कि जिस तरह से अर्थ में दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बराबर, तो वैसे ही पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसी तरह जो लोग है टोटली डिवाइडेड ना हो जाए बराबर, कि एक तरफ जो है सारे के सारे हिंदू जमा हो जाए और एक तरफ सारे के सारे मुस्लिम जमा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन बराबर। हमें देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर एक एरिया होगा उसमें सारे के सारे हमारे मुस्लिम भाई होंगे, एक एरिया होगा उसमें सारे के सारे हिंदू भाई ये हो जाएंगे बराबर, तो उससे क्या होगा कि वही कम्युनिटी की उस एरिया में डोमिनेंसी हो जाएगी ठीक है। तो ऐसे पोलराइजेशन नहीं होने चाहिए, तो वो इस अमेंडमेंट लॉ में खास करके ध्यान रखा गया है। दूसरा डेमोग्राफिक इंबैलेंस ना हो। डेमोग्राफिक इंबैलेंस का मतलब क्या गाइस कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसको उन्होंने डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो ये एरिया जो है वो वहां के लोग अपना सब कुछ बेच के इस वाले एरिया में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, फिर इस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी पॉपुलेटेड एरिया बन जाएगा। सिटी में भी हम देखते हैं कि कुछ एरियाज होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत कम पॉपुलेशन में हमको नजर आते हैं, तो ऐसे डेमोग्राफिक इंबैलेंस भी ना हो वो इस अमेंडमेंट लॉ में ध्यान रखा गया है ठीक है। अभी ये जो दूसरा इसका प्रोविजन ये है गाइस कि ये एक्ट जो है वो बैन करता है ठीक है सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी टू दोस फ्रॉम अनदर कम्युनिटी बराबर, कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो आप बेच नहीं सकते हो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के बंदों को। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई हिंदू बंदा है गाइस, तो हिंदू बंदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी अगर उसको मुस्लिम बंदे को बेचनी है, मुस्लिम भाई को बेचनी है बराबर, तो वो विदाउट दी अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो ये काम नहीं कर सकता बराबर। जब भी आप डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के बंदे को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो डिस्टर्ब एरिया में, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। और ये स्पेशली कौन से एरिया में होगा गाइस, ये होगा डिस्टर्ब एरिया में बराबर। तीसरा पॉइंट ये है गाइस कि टू स्टॉप पीपल एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज। पहले हमने देखा था बिफोर अमेंडमेंट कि कुछ लूप होल्स से लोग प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे थे, पर अभी इतना लॉ स्ट्रिक कर दिया गया है कि अगर आपने इलीगली कुछ भी करने की कोशिश की बराबर, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको जेल हो सकती है 3 से 5 साल के लिए, और फाइन हो सकता है 1 लाख और 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर। मतलब अमेंडमेंट में अभी सजा भी घोषित कर दी गई है कि अगर आपने इलीगली कुछ भी करने की कोशिश की तो आपके ऊपर मतलब आपको जेल हो सकती है बराबर 3 से 5 साल के लिए, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा 1 लाख और 10% ऑफ योर वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये कि वर्ड ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर शब्द जो है उसको उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन किया है अमेंडमेंट में, एंड दैट इंक्लूड्स सेल, मतलब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उसको भी ट्रांसफर में गिना जाएगा, अगर आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो उसको भी ट्रांसफर में गिना जाएगा, आप किसी से प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हो उसको भी ट्रांसफर में गिना जाएगा, आप किसी को प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हो या और टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ पावर अटॉर्नी इसको भी ट्रांसफर में गिना जाएगा। तो ट्रांसफर शब्द जो है इस बिल के अंदर उसको अच्छे से डिफाइन किया कि ट्रांसफर का मतलब क्या, मतलब आप सेल करते हो या किसी को गिफ्ट करते हो या एक्सचेंज करते हो, लीज पे देते हो या पोजेशन लेते हो बाय द वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो इन सारी चीजों को ट्रांसफर में गिना जाएगा ये एक्ट जो है। नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि दिस एक्ट आल्सो एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर देती है कि वो एक एडवाइजरी कमिटी बना दे टू चेक ऑन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन द डिस्टर्ब एरियाज, कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है टू फॉर्म मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमिटी। ये एक कमिटी बना के वो क्या करेंगे कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है इन डिस्टर्ब्ड एरियाज उसको वो प्रॉपरली चेक कर सके। लास्ट पॉइंट ये है गाइस कि गवर्नमेंट जो है कैन फॉर्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। गवर्नमेंट जो है वो SIT भी बना सकती है टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए इन फॉर्मिंग ओपिनियन बिफोर डिक्लेयरिंग अ एरिया टू बी डिस्टर्ब वन।
कि किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने से पहले सरकार जो है वो एसआईटी भी बना सकती है। और ये जो एसआईटी किसको असिस्ट करेगी, एसआईटी असिस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। किस काम के लिए, कि किसी पर्टिकुलर एरिया को आपको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना हो उस काम के लिए। ओके गाइस, सो गाइस ये था अबाउट डिस्टर्ब एरिया एक्ट। इसमें हमने देखे कि पुराने प्रोविजंस क्या क्या थे और नए अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीजें इन्होंने इंक्लूड की। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।